सुपर मैच यूएस के बारे में आपको आज ऐसे का पार्ट आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूँ। कौन कौन सी आइडेंटिटीज वो देखते हैं, एक ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और दूसरी आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स मुझे दे रखा हो ए, मुझे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, देख लेते हैं। मैं इसको अगर ए मानूं और इसको बी मानता हूं, इसको ए मानूं इसको बी मानता हूं, दोनों तरफ होल स्क्वायर करूंगा मैं तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू ए अपॉन में बी इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसल आउट, क्या निकल गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस टू। यहाँ पे देखते हैं x माइनस वन बाई एक्स मुझे दे रखा होगा a, और फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। मैं बात करता हूँ दोनों तरफ होल स्क्वायर करूँगा, x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, a है मेरा x और b है मेरा वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, माइनस का टू उधर जाके इसमें प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या निकल के आया ए स्क्वायर प्लस टू। कब, जब मेरा एक्स के साथ का कोएफिशिएंट और वन अपॉन एक्स के साथ का कोएफिशिएंट सेम। यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास दो चीज आ गई, क्या जब मुझे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना तो ए स्क्वायर माइनस टू, और जब मुझे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस टू। ये बात हो गई आइडेंटिटीज की। अब हम क्वेश्चन पर काम करते हैं, पहला हम लिख लेते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी हमने करी है। x प्लस वन बाई एक्स दे रखा हो क्या a, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस टू। दूसरा जब मुझे x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू a दे रखा हो और मुझे फाइंड करना हो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस टू। इन दोनों पर एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखो यही ले लेते हैं क्वेश्चन, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर और फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। पहले वैसी करते हैं जो भी मैंने प्रूफ करा है वैसी करते हैं, फिर एक बार ट्रिक लगा कर देखेंगे। दो तरफ होल स्क्वायर क्या हुआ तो क्या देगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू ए और वन अपॉन एक्स क्या मेरा बी है और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। एक्स से तो एक्स कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन, और ये प्लस में टू है बोला जाके इसमें माइनस का टू, आंसर कितना देगा फोर्टीन। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता क्या था ए स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर क्या है मेरा सिक्सटीन है, ए स्क्वायर कितना चार का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू, आंसर कितना फोर्टीन। इससे हमारा टाइम कम लगेगा। अब देखते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स से कैसे निकलेगा, इसे पहले करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, ए क्या है मेरा एक्स और बी क्या है मेरा वन अपॉन एक्स, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। दोनों तरफ क्या करा है मैंने होल स्क्वायर कर दिया, दो तरफ क्या किया होल स्क्वायर कर दिया, x से तो x कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 2,
कितना आंसर? 18। आंसर कितना आ गया मेरा? 18 आ गया। ये तो था बेसिक से क्वेश्चन, ये भी आ रखे प्रीवियस ईयर में, मैं भी और भी करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आ रखा। क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। देखो जब मैं x की पावर स्क्वायर से निकालूंगा, x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1 रखकर स्क्वायर निकालूंगा, फिर इसका दोबारा करने में क्या देगा? x की पावर 4 देगा। तो मुझे इस पे क्या दो बार करना पड़ेगा? कौन सा वाला फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2 वाला। देख लेते हैं क्या करूं मैं, a स्क्वायर माइनस 2, यहां से क्या निकल के आएगा मेरे पास? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना होता है? 23। अब x की पावर 4, यहां से क्या निकलेगा? x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इक्वल टू 23 का कितना होता है? 23 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 23 का स्क्वायर होता है 529 और माइनस का 2, आंसर कितना देगा मुझे? 427। और यही मुझे निकालना था, क्या यही मुझे निकालना था? नेक्स्ट x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 3 फाइंड x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 क्या होगा? इसमें भी क्या, पहले माइनस से क्या निकलता मेरा? प्लस निकलता। देखो माइनस से प्लस निकलेगा और फिर मुझे प्लस से प्लस पे जाना है, मतलब कि पहले एक बार माइनस वाला क्या a स्क्वायर प्लस 2 लगाऊंगा, फिर उसके बाद एक प्लस से प्लस में जाने के लिए क्या करूंगा मैं? a स्क्वायर माइनस 2 लगाऊंगा मैं। ये यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 2 कितना होगा? 11 होगा। यहां से मैं फिर क्या निकाल सकता हूं? x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 सबको पता होता है 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। कितना? 121। और क्या है मेरा? माइनस का 2, माइनस का 2, आंसर कितना? 119। आंसर कितना? 119। क्या करा? माइनस से तो मुझे प्लस पे जाना, सिंपल सी बात है, मैं माइनस से प्लस पे जाऊंगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। मैंने स्क्वायर पहले बार करा तो क्या दिया मुझे? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2, प्लस 2 करके 11 आ गया। अब मुझे पता प्लस से प्लस पे जाता हूं आराम से निकल आएगा, क्या करूंगा? वही a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2 लगाया, फिर जो a होगा वो हमारा क्या होगा? 11 होगा। क्यों? क्योंकि मैं इससे निकालने वाला हूं x की पावर 4। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 इक्वल टू 119 आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एक्स अपॉन में 5x इक्वल टू 5 और मुझसे पूछा गया है 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर 1 बाय 25x स्क्वायर क्या होगा? मुझे दिख रहा है 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है, प्लस का निशान है, प्लस पे जाना है मुझे। 1 बाय 5x का स्क्वायर कितना? तो 1 बाय 25x स्क्वायर। तो सिंपल जवाब मुझे क्या निकालना है? a स्क्वायर माइनस 2। अब 2 नहीं होगा, 2 के साथ a और b भी जुड़े हैं। क्यों? जब मैं x प्लस 1 बाय x से x स्क्वायर
प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकाल रहा था, तब इसमें मेरे साथ एक्स का कोफिशियंट क्या था, सेम था, लेकिन इस बार एक्स के कोफिशियंट अलग है, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस टू, ए भी लेना पड़ेगा और बी भी लेना पड़ेगा, क्यों, कोफिशियंट की वजह से, ठीक है। यहां से मेरा क्या निकल के आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 1 बाय 25x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5 का स्क्वायर कितना, 25 माइनस 2, ये क्या है मेरा 3x, b क्या है मेरा 1 बाय 5x, x से x कट गया, x से x कट गया, 3 टू द 6, 25 माइनस 6 अपॉन में 5, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम सेम लेना पड़ेगा, एलसीएम सेम लूंगा तो क्या आएगा, नीचे अपॉन में 5 आएगा, 25 इनटू 5 125 माइनस 6 क्या देगा, 119 अपॉन में 5, ये मैंने ए और बी क्यों लिया, एक और दोबारा बता दे रहा हूं क्यों लिया, क्योंकि जो एक्स के कोएफिशिएंट थे उस टाइम पे x के साथ भी 1 था और 1 by x के साथ भी 1 था, लेकिन इस बार x के साथ तो 3 है और 1 by x के साथ क्या है, 1 by 5 coefficient है, मतलब कि coefficient अलग-अलग है, तो भाई coefficient अलग-अलग होंगे तो क्या होगा, मुझे a और b लेना पड़ेगा, अगर coefficient अलग-अलग नहीं होंगे, यहां पर भी 3 होता तो मुझे, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकता था, लेकिन ये कहां पर फेल हो रहा है, जहां पर coefficient क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, बस वहां पर मुझे क्या लेना है, ए और बी और ले लेना है, ठीक है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। यहां पर मैं कोएफिशिएंट सेम ले रहा हूं, ठीक है, ए और बी लेकर के भी दिखाऊंगा मैं, फाइंड लगा, प्लस है मुझे जाना है प्लस पे ही है, तो प्लस से प्लस पे जाने के लिए a स्क्वायर माइनस 2, और अगर मैं पिछले बार बताया तो a भी ले लेंगे साथ में, जब कोएफिशिएंट क्या हो, सेम ना हो, लेकिन इसमें कोएफिशिएंट सेम है तो नहीं लेके भी दिखाऊंगा, लेके भी दिखाऊंगा दोनों तरफ से, तो मैं बोलूं यहां से क्या निकल के आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 1 बाय 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या, 5 का स्क्वायर 25 माइनस क्या 2, a कितना है 3x है, b कितना है 1 by 3x है, 3x से 3x कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि x के साथ के कोएफिशिएंट क्या है मेरे, सेम है, 3 से 3x से 3x कट गया तो बचा कितना 25 माइनस 2, आंसर कितना 23, अगर मैं नहीं लेता इसका कोई मतलब है तो वही बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस 2, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है, और जब कोएफिशिएंट सेम होंगे तब मैं क्या लूंगा, a स्क्वायर माइनस 2 और a स्क्वायर प्लस 2, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, मुझे दे रखा है 5x प्लस 1 बाय 3x इक्वल टू 25, फाइंड क्या करना है, 9x स्क्वायर प्लस 1 बाय 25x स्क्वायर इक्वल टू, भाई पिछली बार मैं क्या कर रहा था, जो ऊपर था a का स्क्वायर यहीं पर था, लेकिन अब क्या मुझे क्या ले जाए, 5x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, 25x स्क्वायर 1 बाय 3x 1 कितना होगा, 9x स्क्वायर होगा भाई, ऊपर नीचे हो रखा है, मैं क्या करूंगा, मुझे 3 ऊपर लाना पड़ेगा और 5 नीचे लेके जाना पड़ेगा, भाई कर लेते हैं, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं पूरी टर्म को, 3 अपॉन 5 से करता हूं तो मैं 5x से 5x कट जाएगा, करके दिखा देता हूं, 5x 3 अपॉन 5
1 by 3x 3 upon 5 25 into 3 by 5 5 से 5 दिया 3 से 3 कैंसिल आउट 5 से 25 5 5 मिल जाता है भाई ये 3x हो जाएगा प्लस 1 by 5x इक्वल टू कितना 5 3 का 15 5 3 का 15 अब देखो वही शक्ल मिल गई जिसका स्क्वायर करने मुझे 9x स्क्वायर मिलेगा और 1 by 25x को मिल जाएगा तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर 1 by 5x का स्क्वायर 1 by 25x स्क्वायर अब क्या लगाऊं a स्क्वायर माइनस 2 क्यों प्लस से मुझे प्लस पे जाना है 15 का स्क्वायर कितना होता 225 और माइनस 2 आंसर कितना देगा मुझे 223 आंसर कितना देगा 223 लेकिन हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट भी लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि कोएफिशिएंट अलग अलग है हमें ए और बी भी लेना पड़ेगा आप ए और बी लेना पड़ेगा मुझे ए और बी मैं लूंगा तो क्या करना है ए का स्क्वायर 225 माइनस 2 ए कितना है मेरा 3x 1 by 5x क्या है मेरा b है x से तो x कैंसिल आउट हो गया 225 माइनस 6 by 5 कितना आंसर 25 जा 10 1000 प्लस 11 25 माइनस 6 अपॉन में 5 कितना दे रहा हूं मुझे 1119 अपॉन में 5 आंसर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं भूल गया था a और b लेना भूल गया था कोई नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या करते हैं क्या यहाँ पर माइनस ले लेते हैं ठीक है इधर माइनस लेके सॉल्व कर लेते हैं देखो जब मैं माइनस से निकाला तब भी प्लस में आता था और जब प्लस से प्लस में निकाला तब भी प्लस में ही आ रहा है क्यों क्योंकि भाई फॉर्मूला ही है a स्क्वायर प्लस b और माइनस में भी करूंगा तो भी a स्क्वायर प्लस b अंतर कहां आता है माइनस यहां पर तो प्लस 2a भी आता है और यहां पर माइनस 2a भी अभी मैं माइनस में भी निकाल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी तो मैंने क्या करा था यहीं पर शक्ल बदल दी थी क्या s शक्ल में लिया था कि डायरेक्ट करने पे क्या देते हैं मुझे 9x स्क्वायर देते हैं और 1 by 25x स्क्वायर दे दे लेकिन अब की बार अगर आपको यहाँ पर नहीं करना आप बाद में भी कर सकते हो देखते हैं मुझे पता है यहाँ से क्या निकल के आएगा यहाँ से निकल के आएगा भाई 25x स्क्वायर प्लस 1 by 9x स्क्वायर क्या था a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 2 कितना 625 प्लस 2 भाई कोएफिशिएंट अलग अलग है क्या कोएफिशिएंट अलग अलग है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा a और b भी लेना पड़ेगा a कितना है 5x है b कितना है 1 by 3x है x से तो x कैंसिल आउट हो ही जाएगा क्या आएगा 625 प्लस 10 अपॉन में 3 करूंगा सॉल्व कितना आएगा 1885 अपॉन में 3 क्या करना है भाई अभी तो ऐसे कर मिली है मुझे लेकिन मुझे ऊपर तो 9 चाहिए और नीचे 25 चाहिए देख लो ऊपर 9 चाहिए मुझे नीचे 25 चाहिए तो मैं क्या करूंगा इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 अपॉन में 25 क्यों भाई 9 से तो यहां पर 9 कट जाएगा नीचे कितना 25 x स्क्वायर आ जाएगा इस जगह पर क्या आ जाएगा 25 से 25 कैंसिल आउट 9 बचेगा 9 into x स्क्वायर 9x स्क्वायर तो भाई जब मैंने यहां पर लगाया तो इसमें भी मुझे करना पड़ेगा चेंजेस क्या करने पड़ेंगे 1885 into
9 अपॉन में 25, 3 से 3 बार में जाता है भाई ये, 5 से कितने बार में जाता है, 5 3 जा 15, 3 बचा 5 से बन जा, 3 5 5 से बन जा भाई, कितना था 5, 3 7 7 into 3 अपॉन में कितना 5, कितना आएगा 900 प्लस 210 प्लस 21 अपॉन में 5 1131 बटे 5 आंसर। आप इसको पहले भी ऐसे कला बना सकते हैं और बाद में बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप भूल गए हो बाद में दोबारा स्टार्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में भी कर सकते हो आराम से। अब दो तीन प्रीवेसर लगा लेते हैं भाई, x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 16, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x की पावर 2 प्लस 1 बाय x की पावर 2, ठीक है। यहां पर इफ 2x प्लस 1 बाय 4x इक्वल टू 4, फाइंड करना है आपको x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4, ठीक है। देख लो भाई इसका तो मुझे पता डायरेक्ट निकल का था, क्या होता है इसका भाई a स्क्वायर माइनस 2, क्यों क्योंकि प्लस से मुझे प्लस पे जाना भाई, प्लस से प्लस पे जाने के लिए a स्क्वायर माइनस 2 होता है, एक स्क्वायर 16 का 256 माइनस 2 आंसर कितना आ गया 254, कितना आंसर 254। यहां पर देख लेते हैं भाई कोएफिशिएंट अलग अलग है, क्या है कोएफिशिएंट अलग अलग, तो मुझे पता है क्या लगेगा, मुझे यहां पर भी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा फोर और सिक्सटीन, क्योंकि दो का स्क्वायर चार होता है, फोर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है 16 एक्स की पावर 4, भाई देख लो क्या करना पड़ेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, ए स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर भाई 16 प्लस 2 ए बी 2, ए कितना भाई 2x है, बी कितना है 1 बाय 4x है, 4 से 4 कैंसिल आउट, x से x गया 16 माइनस होगा भाई 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 आंसर। आज के लिए हम इतने रखते हैं, कल नई आइडेंटिटी के साथ नई वीडियो बनाकर आपको शेयर करेंगे।